टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में एक लाश मिलने से वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और शव की पहचान राजू रैकवार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कुछ ही देर के बाद युवक की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल राजू रैकवार की हत्या कर दी गई। मामले में राजू के भाई आमना ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की हत्या विक्की रैकवार द्वारा की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को चंद घंटों में ढूंढ निकाला। घटना हुई है साहब के यहाँ पर, मेरे को बुलाया फोन लगा के राजू ने, मैं घर में आ गया। घर में आया, बोले तुम जाल खींच के ले आते। मैं साहब जाल खींचने गया, जाल खींच के आया, यहाँ आ गया। राजू बोला कल तुम जाल और किश्ती जहाँ लेटे हो वहीं लेके जाओ। तो बिक्की बोला कल नहीं, जाल नहीं जाएगा, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। बस उसने किश्ती ना वहाँ से जहाँ पॉलिसिंग पड़ी है वहाँ से किश्ती तानी, वहीं की जी कितनी लगी है। उसने अपने हाथ से जाल उठाया, जाल उठा के इधर आ गया। विवाद इस पे हुआ कि खाली जाल पे हुआ है मछली के कारण। मैंने दोबारा वापसी लौटा, मैं जब उसको दबा रखा था फिर सब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ पर तो क्या है, जब मेरे को उसने धमकी दी कि साले मैं तेरे को काट दूंगा, मार दूंगा और कुल्हाड़ी से तेरे गते गते कर दूंगा। आरोपी विक्की से पूछताछ में पता चला कि राजू रैकवार से तालाब से जाल हटाने पर विवाद हुआ था, जिस पर उसने राजू रैकवार को तालाब के पानी में डुबाकर हत्या कर दी। ममना रैकवार ने थाने में रिपोर्ट की थी कि इसके भाई राजू रैकवार को इसी के गांव के एक विक्की रैकवार ने मछली पकड़ तालाब में मछली पकड़ने के विवाद पर मारपीट करके उसको तालाब के पानी में डुबा के खत्म कर दिया है। हमने हत्या का प्रकरण दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के बाद चालान पुटअप न्यायालय समय पर किया जाए। नहीं, इनके बीच में पहले कोई विवाद होना सामने नहीं आया है। गांव वालों से पूछताछ की है, आपस में खाने पीने वाले थे तो त्वरित घटना के कारण कि तालाब में मछली पकड़ते पकड़ा गया था और बोल रहा था राजू कि जाल रखेंगे तुम्हारा, और ये विरोध कर रहा था कि जाल मेरा नहीं ले जाना है। इसी बात पर से दोनों में विवाद हो गया। थाना बलदेवगढ़ के अंतर्गत ग्राम कुड़े अलग घटना है। यहाँ पे सूचना मिली है राजू एक बार लत अवस्था में पड़ा हुआ था। अभी घटना का मुआयना किया है तो अभी तक उसके शरीर पे थोड़ा सा माथे पे चोट है और कुछ और फर्स्ट डिविजन साक्ष मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की विवेचना की जाएगी और पीएम उपरांत स्थित पुलिस स्पष्ट हो जाएगी आखिर मौत का कारण क्या है। नहीं, अभी मौत का जो स्तर में आई चोटें हैं उसके हिसाब समझ में आ रहा है, और पानी के में भी पूरी बॉडी पानी में भीगी हुई है तो ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि पानी में डूबने के कारण भी कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, बुकलियम में स्पष्ट। पुलिस अभी मामले में और साक्ष्य जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाढ़ न्यूज, टीकमगढ़।